गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू एग्रीवर्स एजुकेशन इन टूडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स ऑफ नाइनटीन नवंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल गो थ्रू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन इलेवन और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड तो so, सबसे पहले आज कर के करंट अफेयर्स के हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं पहली हेडलाइन है आई सी ए आर वर्किंग टू ब्रिंग एग्री एजुकेशन इन लाइन विद द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दूसरी हेडलाइन है साइंटिस्ट फ्रॉम आई सी आर सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटोर बेस्टोड विद नेशनल वाटर अवार्ड टू थाउजेंड एंड नाइनटीन और लास्ट हेडलाइन है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है कमिटेड टू एस्टेब्लिश द ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर ए आई डब्ल्यू सी तो अभी हमने यहाँ जितने भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की आई सी आर वर्किंग टू ब्रिंग एगरी एजुकेशन इन लाइन विद द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो रिसेंटली आई ने अनाउंस किया कि इन्होंने एक सिक्स मेंबर कमेटी को बना दिया है और इस मेंबर के जो हेड होंगे वो होंगे डॉक्टर तेज प्रताप जो कि है वाइस चांसलर ऑफ जी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि सिचुएटेड है पंत नगर उत्तराखंड में दिस कमेटी इज़ फॉर्म टू सजेस्ट वे इन विच एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन कैन बी नर्चर्ड इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एन तो इस कमेटी को बनाने का मेन मकसद ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट uh, कैसे किया जाएगा ये सारा जो रोड मैप है उसको तैयार किया जाएगा इस कमेटी के अंदर द ऑफिशियल ऑल्सो मैंसड दैट द आई सी आर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ए यू सिस्टम इसका जो नेटवर्क है सेवेंटी फोर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ऑफ़र किए जाते हैं इलेवन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड नाइन्टी सिक्स पी जी प्रोग्राम्स एंड सेवेंटी थ्री डिसिप्लिन इन पी एच डी प्रोग्राम तो ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है इसको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाता है जो कि ये डिजायर्ड है बाई एन ए पी एन ए पी में जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा एम्फिस दिया जाता है इसमें एक चीज़ बात करी गई मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट की जैसे एन ए पी में आपने पढ़ा होगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में तो इस ऑप्शन से क्या होगा इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि वो डिप्लोमा लेना चाहते हैं या एडवांस डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या बैचलर विथ रिसर्च डिग्री तो ये अलग अलग डिग्री होंगी कि वो कितने साल तक अपने डिग्री को कंटिन्यू करते हैं जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं एग्रीकल्चर के उसमें चार साल का बैचलर डिग्री होती है तो इसमें यह कहा गया है कि अगर वो एक साल के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन से डिग्री लेते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा खाली एक सर्टिफिकेट और अगर वो दो साल के लिए करते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक एडवांस डिप्लोमा और तीन साल के लिए करते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा बैचलर डिग्री और अगर वो चार साल के लिए करते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक बैचलर डिग्री विद रिसर्च उसमें लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विद रिसर्च तो ये कुछ चेंजेस करने की यहाँ पर को बात करी गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक ये बात करी गई थी मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में तो उसी चीज़ को यहाँ एग्रीकल्चर एजुकेशन जो डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है अभी हाल ही में आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने अनाउंस किया कि ये वेटनरी कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है तो ये भी इसी के अंदर का एक प्लान है कि जो वेटनरी का कोर्स है उसमें डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अगर वो कितने साल तक उस डिग्री को कंटिन्यू करते हैं अगर वो दो साल तक करते हैं तो उनको एक एडवांस डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा तो ये कुछ चेंजेस करने की बात करी गई है इन सेवेंटी फोर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे साइंटिस्ट फ्रॉम आई सी आर सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि सिचुएटेड है कोयम्बतोर इनको मिला है नेशनल वाटर अवार्ड दो हजार उन्नीस का तो एस बी आई यानी कि केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं इन्होंने डेवलप किया है सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर टू असिस्ट फार्मर विथ प्रोफिशियंट वाटर मैनेजमेंट तो इसके लिए इनको दिया गया है नेशनल वाटर अवार्ड दो हज़ार जो ये सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर है जिसको हम शॉर्ट में एस भी बोलते हैं ये बहुत छोटा होता है और ईजी टू हैंडल होता है और फार्मर को इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है जैसे अगर हम कंपेयर करें जो उसके दूसरे गैजेट्स हैं जो वाटर को नापते हैं जैसे टेंशियोमीटर के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो वो ज़्यादा उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रेदर दैन अगर हम इसको यूज़ करें जिसकी यहाँ पर कोई बात हो रही है सॉयल मॉइस्चर इंडिकेटर तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है तो एस एम आई सिस्टम के बारे में बात करी गई है इट कैन हेल्प फार्मर टू सेव अराउंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ वाटर विथ सम्स अप टू सिक्स इरीगेशन या शुगर केन के बारे में बात हो रही है कि शुगर केन केस में अगर हम इसको यूज़ करें तो हम छः इरीगेशन को बचा सकते हैं अराउंड फिफ्टीन परसेंट वाटर कैन बी सेव्ड एंड दिस गैजट विच वॉज क्रिएटेड विथ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फार्मर एंड सुगर प्रोसेसिंग प्लांट पर्सनल थ्रू द फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ये एफ एफ पी आर पी इसके अंतर्गत इस एस एम आई को डेवलप किया गया है देखो यहाँ पर कोई दो टाइप के सॉयल मॉइस्चर इंडिकेटर हैं एक तो जिसमें दो मेटल लॉड हैं और एक में एक ही मेटल लॉर्ड है और इसमें दस एल ई डी लाइट्स होती हैं और इसके अकॉर्डिंग ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो लाइट बताती है कि इस वाटर का इंडेक्स कितना है सॉइल में अब इसके कुछ एडवांटेज हैं जो एस की बात कर रहे थे हम इट इज़ सुटेबल फॉर यूज इन एग्रीकल्चर फार्म एज वेल एज इन पोटेड प्लांट्स एंड जो ये एस है ये सुटेबल है फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स और सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि ये इंस्टेंट इंडिकेशन देता है और इसको यूज करना भी काफ़ी सिंपल होता है इजी टू हैंडल होता है लाइट वेट होता है टेन की बात करें तो आ, इसके कंपैरिजन में उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उसको फील्ड में बहुत जगह इंस्टॉल करना पड़ता है और उसकी रीडिंग लेना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एस में क्या करना है सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है एक जगह जहाँ से आपको हमको रीडिंग चाहिए और तुरंत उसी से हमको रीडिंग मिल जाएगी जो कलर एल में जो हमें कलर शो होगा उसके अकॉर्डिंग हम उससे रिफरेंस ले सकते हैं कि इसका सॉइल मॉइस्चर स्टेटस कितना है यहाँ पर हमने टेबल दे रखी है कि जो कलर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वाटर का स्टेटस सॉइल में कितना है अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कलर क्या क्या चीज़ें दर्शाती हैं जैसे ब्लू कलर है इसका मतलब है एम्पल मॉइस्चर ग्रीन सफिशियंट मॉइस्चर जैसे रेड होगा तो इसका मतलब होगा कि वेरी लो मॉइस्चर तो इस केस में क्या किया जाएगा अगर रेड इंडिकेशन मिला तो उस टाइम के लिए इमीडिएट इरीगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द क्रॉप अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है कमिटेड टू एस्टेब्लिश द ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर तो हाल ही में अराउंड सिक्स छः नवम्बर को एक वर्चुअल मोड में एक मीटिंग कराई गई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के द्वारा तो इसके अंदर एक कोलेबोरेशन किया गया या एक एम किया गया और इसमें बात करी गई ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर की आपको बताइए होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ वाटर स्कॉर्सिटी की ज़्यादा दिक्कत रहती है यहाँ जैसे फ्लड्स आ गए या फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में तो इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन किया है इन वाटर रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन वाटर एंड फूड सिक्योरिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइज रिवर हेल्थ वाटर एनर्जी फूड नेक्सेस एंड अदर रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो इसमें ये सारी चीज़ें बात करी गई कि इसके अंदर क्या, क्या क्या चीज़ें कोलेबोरेशन के अंदर करी जाएंगी तो उसका मेन एम क्या था प्रमोशन ऑफ ट्रांस डिसप्लिनरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग अप्रोच तो जो वाटर स्कॉर्सिटी के क्षेत्र में या फूड सिक्योरिटी या सेफ ड्रिंकिंग इसके क्षेत्र में रिसर्च एंड ट्रेनिंग अप्रोच करी जाएंगी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टाफ्स एंड पॉलिसी मेकर्स तो इनके लिए आ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे अब इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं और इंडिया से भी कुछ अराउंड फोर्टीन तो टू फिफ्टीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कॉलेब्रेशन के अंदर पार्ट लेंगी जो एम इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर इसमें जो ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटी लीड करेगी वो होगी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ये लीड करेगी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से आईआईटी गुवाहाटी ये लीड करेगी फ्रॉम इंडिया इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हमने पहले बता दिया कि ये लीड करने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में देख लेते हैं जैसे बी है जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये और हमारे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये और ये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की आई आई रुड़की हो गया आई आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर इसमें तो अभी बारी दिखा रहे हैं टोटल फिफ्टीन यूनिवर्सिटीज़ हैं आप इसको याद रखना फिफ्टीन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया विल कोलेबरेट विथ ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर